दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक वीएसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसी के साथ साथ इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप देख पाएँ हमारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं टेक वीएसएस चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल में जो कॉन्टैक्ट्स आपने अपने जीमेल आईडी में या मेल आईडी में सेव किए हैं अपने फ़ोन में, वो कॉन्टैक्ट्स आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कैसे देख सकते हैं। क्योंकि मेरे काफ़ी यूज़र्स ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर, हमने जीमेल में कॉन्टैक्ट तो सेव कर लिए, मान लीजिए कि हमारे पास फ़ोन ना हो तो हम अपने जीमेल के कॉन्टैक्ट कैसे अपनी जीमेल आईडी में देखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीमेल पे गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे आप सिंपली सर्च कीजिए गूगल कॉन्टैक्ट्स। गूगल कॉन्टैक्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर गूगल कॉन्टैक्ट्स का लिंक आएगा। अब गूगल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली अब जिस जो मेल आईडी में आपने कॉन्टैक्ट सेव किए हैं, अब वहाँ आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच जाएंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने 3-4 कॉन्टैक्ट्स यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए सेव किए हैं, और यही कॉन्टैक्ट्स अगर मैं अपने फ़ोन में इस मेल आईडी से लॉगिन करूँगा तो मैं ये अपने फ़ोन में भी देख सकता हूँ। और दोस्तों, ये तो था पहला तरीका जो डायरेक्ट है। अब आप या तो दूसरा तरीका अपने जीमेल आईडी लॉगिन करके भी देख सकते हैं। जैसे ही आप जीमेल में लॉगिन करेंगे तो जीमेल में लॉगिन करने के बाद, अगर मान लीजिए आप अपनी मेल आईडी पे लॉगिन पेज पे हैं, अगर गूगल कॉन्टैक्ट्स डायरेक्ट जाके करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जीमेल आईडी पे लॉगिन करने के बाद जैसे ही जीमेल का होम स्क्रीन पेज आएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ जीमेल के आइकन के ऊपर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आया है। ये कॉन्टैक्ट जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तीसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे कॉन्टैक्ट का एक लोगो आएगा या कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ आएगा, तो भी आप कॉन्टैक्ट्स के पेज पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 3 तरीके आप अपने जीमेल के कॉन्टैक्ट्स अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई कमेंट या सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।